मॉर्निंग। और मफिन अभी सो के उठी है, मैडम थोड़ी सी आलसी है, राइट मफिन? अफू क्या स्निफ कर रहा है? सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू क्योर टीथनिंग ऑफ अ डॉग और अ पपी। लाइक मफिन अपड़ी हो गई है, सो इसको टीथनिंग नहीं होती है इतनी ज़्यादा, होती है बट नॉट सो मच जैसे इसको पहले हुआ करती थी जब ये छोटी थी। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगी 5 तरीके जिससे टीथनिंग कम हो सकती है और उसको क्योर किया जा सकता है, नॉट द क्योर बट रिलीफ दिया जा सकता है टीथनिंग में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और मफिन आज काफ़ी शांत है। मफिन क्या हो गया है? खेला नहीं है टॉयज से? All lost. So let's begin with the video. और first point to cure teethening is chew toys. As like आप देख सकते हैं कि इसके toys हमेशा रहते हैं आसपास में इसके, same way वहाँ पे जो रखे हुए हैं वो chew toys ही हैं। जब ये छोटी थी तब हम ये लेके आए थे, सच बताए तो हमें भी नहीं पता था कि ऐसी टीथनिंग हो सकती है डॉग्स को। सो बेसिकली जब मफिन को टीथनिंग हुई थी तो ये हमें भी बाइट करती थी, एंड प्लस इसने हमारा एक बेड का साइड का लाइक कॉर्नर, वो फर्नीचर इसने थोड़ा ख़राब किया था, क्योंकि जब इसके ज़्यादा दांत में यू कैन से इचिंग होती है, टीथनिंग इज़ लाइक इचिंग की दांत, उस टाइम पे इनको काफ़ी यू कैन से दे आर इन पेन और समथिंग, मतलब थोड़ा इनका सेंसेशन जो होता है टीथ्स के साइड वो थोड़ा सा इची वाला होता है, तो इस वजह से ये कोई चीज़, कोई हार्ड चीज़ इन्हें चाहिए होती है चबाने के लिए। तो सेम वे इसने फर्नीचर उस पीरियड में थोड़ा सा काट दिया था हमारा, बट समहाउ देन उसके बाद हमें समझ में आया व्हेन वी गूगल्ड, और डॉक्टर ने भी हमें बताया कि इसे टीथनिंग हो रही है। सो ये चीज़ होगी आपके साथ। सो हमने फिर इसके लिए चू टॉयज लेके आए थे, सो वो उनको चबाती थी, और इससे इसको पता चला कि हाँ मुझे कोई और चीज़ नहीं चबानी है। सो एक चीज़ ये है। सेकंड वन, आप इन्हें फ्रोज़न कैरेट दे सकते हैं। फ्रोज़न कैरेट इज़ ईजी, आपको सिर्फ कैरेट लेनी है, उसे फ्रोज करना है और उसके बाद अपने डॉग को देना है, जिससे कि वो कैरेट हार्ड हो जाएगी प्लस ठंडी होगी। ठंडी कैरेट बेसिकली इनके दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है और ये टीथनिंग को काफ़ी कूल डाउन करती है क्योंकि वो ठंडी होती है, दैट्स वाई। सो सेकेंड वन इज़ फ्रोजन कैरेट एज आई से। सो जब पपी 3 to 4 मंथ्स के होते हैं तब इनकी टीथनिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसी टाइम पीरियड के बीच इनके दांत भी गिरते हैं। यस, सो जैसे बेबीज़ के दांत गिरते हैं और आते हैं ह्यूमंस के, सेम वे इनके भी वही चीज़ होती है। और पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, सो जब इसका पहला दांत गिरा था मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ये किसी बॉल के साथ खेल रही थी जिसको इसने च्यू कर लिया था काफ़ी, और उस पर ब्लड लग गया था, और आई वॉज़ रियली स्कैर्ड कि ये क्या हो गया, या कहीं उस बॉल के वजह से इसके किस मतलब माउथ के अंदर या कोई टंग तो कट नहीं गई है, या कुछ कोई कट तो नहीं लग गया है। सो उसके बाद जब हमने चेक किया, रीचेक किया, बेड पे इसका एक दांत गिरा हुआ था। सो इट्स अ कॉमन थिंग, और अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है सो डरना मत। ये एक टाइम पीरियड होता है कि इनके दांत गिरते हैं और इनके मैच्योर दांत आते हैं, परमानेंट टीथ्स यू कैन से वो आते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट इज चू ट्रीट्स।
यू कैन गिव चू ट्रीट्स टू देम। और चू ट्रीट्स में आती हैं काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, इनफैक्ट बोन्स आती हैं, कैल्शियम बोन्स जो कहते हैं वो आती है, एंड काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स में आती है। सो वो आप दे सकते हैं इन्हें, जिससे कि इनका वो जैसे वो च्यू करते रहेंगे वो उनकी थोड़ा जो हार्डनेस होती है बोन्स की वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, ताकि ये उसको च्यू करते रहें और ऐसे आपका कोई और फर्नीचर ना काटे या कुछ ऐसी चीज़ ना काटे जो नहीं काटनी चाहिए इन्हें। सो थर्ड पॉइंट वॉज च्यू ट्रीट्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, यू कैन गिव आइस। जब भी छोटी थी इनफैक्ट हमने एक वीडियो भी बनाई है आइस के ऊपर, सो वो काफ़ी रिलीफिंग होता है इनके लिए, इनके जो गम्स स्वेल हो जाते हैं टीथिंग के वजह से वो उनको थोड़ा कम कर देता है आइस। सो आइस के साथ हम खेल भी सकते हैं इनफैक्ट, लाइक आइस में आप चिकन ब्रॉथ डाल दें या फिर कुछ उसका फेवरेट फ्रूट काट के डाल दें, देन आइस को आप वही फ्रोज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप उसको फ्लोर में रख दीजिए। इस ऐसे उनका खेलना भी होता है, प्लस इनकी टीथिंग को काफ़ी रिलीफ मिलता है। सो फोर्थ पॉइंट वॉज आइस। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ फ्रोजन टॉवल। सो फ्रोजन टॉवल, आप लोग सोच रहे होंगे फ्रोजन टॉवल कैसे। यू गाइज जस्ट हैव टू टेक अ टॉवल, आपको एक टॉवल लेना है, उसको भिगाना है और उसको फ्रोज कर देना है, और फिर देन आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे अगर जैसे यू हैव सीन कि अगर वो पानी जब पानी में कन्वर्ट होने लग जाएगा तो वो चीज़ या वो जगह गीला ना हो, सो यू हैव टू प्रिवेंट। और ये एक अच्छा तरीका है उनके गम्स में जो स्वेलिंग होती है वो कम करने के लिए। सो दिस वे आप उनकी टीथिंग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फ्रोजन टॉवल में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो उन्हें फाड़े, और ये होता है बेसिकली कोई भी अगर ये कपड़ा इनके पास हो या कुछ भी हो ये फाड़ते हैं उसे। पहली चीज़ इनकी यही होती है कि उन्हें टेयर करें। सो कुछ टॉवल के पीसेस वो निगल भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। और जब भी आप फ्रोजन टॉवल दें तो अपने निगरानी में रखें उन्हें, ताकि ऐसी कोई चीज़ें ना कर पाए। और होपफुली अगर आपका पपी टीथनिंग एज में है सो ये टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगी, आप ये ट्राई करिए और इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा उन्हें। और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या रिलीफ मिला उन्हें इन टिप्स से। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। और टीथनिंग एज में हैं आपके पपीज़ तो उनकी थोड़ी सी
केयर ज़्यादा करें और उनके ऊपर गुस्सा ना करें। पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे भी आ जाता था जब ये चीज़ें काट लेती थी या कुछ नुकसान करती थी। सो बेसिकली वो भी किसी पेन में हैं, उनके भी कुछ ना कुछ लाइक पेन होता है टीथ्स में। सो उसको नज़र रखते हुए आप प्लीज़ उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। सो हेयर नाउ वी आर एंडिंग अप द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज, शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड एंड योर फैमिली एंड वी आर नाउ सेइंग बाय।